दोस्तों, अगर आप लोगों ने मन बना ही लिया कि नेक्स्ट ईयर 2022 में आपको एक फ़ोन बाई करनी है एंड आप लोगों ने अपना बजट अबाउट 20,000 रुपीज रखा है एंड उसी 20,000 के अंदर आपको एक अच्छी डिस्प्ले वाली फ़ोन चाहिए, एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली फ़ोन चाहिए, ओवरऑल बात करूँ तो आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए अंदर 20,000 रुपीज, देन आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए। बिकॉज दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको 2022 में देखने को मिलने वाली है वो अंदर 20,000 रुपीज एंड सभी फ़ोन दोस्तों एक पे एक बढ़ के होने वाली है। सो चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से चार्ज विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन है दोस्तों, Xiaomi 11i हाइपर चार्जर। वैसे तो ये ऑलरेडी से चाइना में लॉन्च हो चुकी है, बट दोस्तों ये चाइना में दूसरे नाम से लॉन्च हुए एंड इंडियन वेरिएंट यहाँ पे आपको Xiaomi 11i हाइपर चार्जिंग के नाम से देखने को मिलने वाली है। उसे बात करें चाइना में किस नाम से लॉन्च हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों आपको Xiaomi Note 11 Pro Max के नाम से लॉन्च की गई है। एंड बात कर ले इस फोन की कब तक आ सकती है, तो ऑफिशियली से ये कन्फर्म हो चुका है कि आपको 6 जनवरी 2022 में इसका लॉन्च देखने को मिलने वाली है इंडिया में। एंड अब बात कर लेते हैं इस फोन की स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको दोस्तों सबसे पहले एक 120Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है इस फोन में एंड इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon का एक 778G का एक चिपसेट भी देखने को मिलने वाली है एंड GPU के मामले में यहाँ पे आपको Adreno 642L एक GPU भी देखने को मिलने वाली है इस फोन में। एंड अब बात कर ले ओवरऑल, तो यहाँ पे आपको एक डिसेंट सी एक चिपसेट इस फोन में आपको देखने को मिल रही है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भी यहाँ पे आपको बैक साइड में देखने को मिल जाती है। एंड एक और चीज़ जो दोस्तों इस फोन के नाम में ही आपको देखने को मिल गया होगा कि हाइपर चार्जिंग, तो जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको 120 वाट का एक हाइपर चार्जिंग देखने को मिलने वाली है, जो कि दोस्तों आपको ये बॉक्स के साथ ही ये चार्जर आपको देखने को मिलने वाली है। एंड इस चार्जर के बारे में दोस्तों कंपनी जो क्लेम करती है कि इस फोन को दोस्तों ये चार्जर 0 to 100% ओनली विद इन 15 मिनट में चार्ज कर देगी, जो कि दोस्तों मुझे इस फोन का सबसे ज़्यादा एक एक्साइटिंग पार्ट लगी। एंड दोस्तों, यहाँ पे Realme 9 Pro भी आपको नेक्स्ट ईयर अंदर 20,000 ही देखने को मिलने वाला, जो कि दोस्तों अप्रॉक्स आपको जनवरी या फरवरी में इसका लॉन्च आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे दोस्तों सेम इस फोन में भी आपको एक 120Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी एंड साथ ही यहाँ पे 6000mAh की बैटरी विथ फास्ट चार्जिंग, इसी तरह के कुछ और स्पेक्स के साथ ये आपको जनवरी या फरवरी में नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप Realme के फैन हो, Realme के अगर आप स्मार्टफोन को यूज करना बहुत ही अच्छा लगता है आपको, तो देन आप इसके लिए वेट कर सकते हो। और अगर आप एक सैमसंग लवर हो, अगर आप नेक्स्ट ईयर एक सैमसंग फ़ोन का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर एक 5G सैमसंग गैलेक्सी M33 5G फ़ोन भी आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे कि दोस्तों इस फोन में आपको एक 6.5 इंचेज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी एंड दोस्तों इस फोन में आपको MediaTek की 720G एक प्रोसेसर भी इस फोन में देखने को मिल जाएगी एंड इस फोन में आपको कैमरे में यहाँ पे दोस्तों एक 1.8 अपर्चर के साथ यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा भी देखने को मिल जाएगी एंड ये भी फोन शायद से दोस्तों आपको जनवरी या फरवरी में देखने को मिल जाएगी। तो ऑफकोर्स अगर आप सैमसंग लवर हो, तो इस फोन के लिए आप वेट कर सकते हो, ये ओवरऑल एक अच्छी फ़ोन होने वाली है। नेक्स्ट ईयर दोस्तों, अभी जो ओप्पो रेनो 6 सीरीज है उसका लाइट वर्जन भी आपको अंदर 20,000 ही देखने को मिल जाएगी एंड अगर आपको ओप्पो रेनो सीरीज अच्छी लगी, तो यहाँ पे आपको अंदर 20,000 ये लाइट वर्जन ओप्पो रेनो 6 लाइट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको एक 6.4 इंचेज की एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी एंड साथ ही दोस्तों स्नैपड्रैगन का आपको यहाँ पे 662 एक प्रोसेसर भी इस फोन में देखने को मिल जाएगी एंड कैमरे के मामले में यहाँ पे दोस्तों 48+8+2 मेगापिक्सल का एक कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये फ़ोन आपको शायद से फरवरी में आपको नेक्स्ट ईयर फरवरी में ये फ़ोन इसका लॉन्चिंग आपको देखने को मिल जाएगी एंड अगर आपको ओप्पो रेनो 6 सीरीज अच्छा लगता है एंड अगर आप चाहते हो अंदर 20,000 इस फ़ोन को लेना, तो आप ऑफकोर्स इसके लिए वेट कर सकते हो, ये भी ओवरऑल एक अच्छी फ़ोन होने वाली है। भाई इन्फिनिक्स ने भी कतई पूरे मार्केट में भाई आग लगा के रखी है इस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर में भी दोस्तों यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स 0 5G इन्फिनिक्स की पहली 5G फ़ोन देखने को मिलने वाली है एंड इसके स्पेक्स तो और भाई इसके नाम से भी खतरनाक इसका स्पेक्स निकल गया है। इस फोन में सबसे पहले यहाँ पे आपको 6.7 इंचेज की FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिले, जो कि दोस्तों फर्स्ट टाइम इन्फिनिक्स यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है एंड साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको MediaTek 906nm पे बेस्ड एक सेट भी देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों यहाँ पे गेमिंग को आपको और भी ज़्यादा गेमिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने वाली है और भी अच्छा आप यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन के साथ कर सकते हो एंड साथ ही इस फोन में यहाँ पे आपको एक 48 मेगापिक्सल का एक
रियर साइड में आपको एक मेन कैमरा देखने को मिल जाएगी एंड साथ ही इस फोन में आपको 5000 mAh बैटरी प्लस एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो इन्फिनिक्स का फ़ोन लेना, अगर आप इंडियन फोन पे जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप इसके लिए वेट कर सकते हैं एंड ये आपको जनवरी या फरवरी के आसपास बीच में ही आपको इसका लॉन्चिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। तो दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।